नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ पढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में आपके लिए बहुत ही अद्भुत हम जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि ये बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि क्या ऐसे कुछ नियम हैं जिनसे कि हम परमेश्वर तक अपनी हर एक बात पहुंचा सकते हैं। जैसा कि कल के क्रमांक में भी हमने आपको बताया कि प्रार्थनाएं करना कितना महत्वपूर्ण है, और प्रार्थनाओं से आप जीवन के प्रत्येक सुख की जिसकी भी आप कामना करते हैं वो प्रत्येक सुख आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं होती कि ईश्वर से वार्तालाप कैसे की जाए और क्या तरीका इसके लिए होना चाहिए। तो आज के क्रमांक में आपको बताएंगे हम तीन ऐसे दिव्य नियम जिनसे बड़ी आसानी से आप ईश्वर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर और बात कर लेते हैं उन्हीं तीन नियमों के लिए। हमारे धर्मशास्त्रों में संतों का कहना है कि जब भी आप ईश्वर से वार्तालाप करें, यानी कि अपनी प्रार्थनाएं जब भी आप करते हैं, तो प्रार्थनाएं कभी भी अकेले में नहीं करनी चाहिए, बल्कि एकांत में करनी चाहिए। यहां अकेलापन जो शब्द है, अकेलेपन का अर्थ यहां अकेलापन नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है एकांत से। दोनों में बड़ा आध्यात्मिक अंतर होता है, यानी अकेलापन जो होता है वो अवसाद को जन्म देता है, क्योंकि इंसान संसार से तो विमुख हो जाता है लेकिन परमात्मा के सम्मुख नहीं जा पाता। यहां एकांत का अर्थ क्या है कि आप बाहरी आवरण में अकेले हैं लेकिन भीतर परमात्मा साथ साथ आपके है। जीवन में वैराग व परमात्मा से अनुराग एकांत को जन्म देता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एकांत में आप प्रार्थना करें। एकांत का आशय है कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को और ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाए, जो कि शून्य में विलीन है। इसीलिए एक समय आपको बनाना है, समय आप अपने अनुसार नियत कीजिए, लेकिन जिस समय को भी आप नियत करेंगे प्रतिदिन उसी समय का चुनाव करके आपको अपने हृदय की एक एक बात शब्दों में कह सकें तो बहुत आसान है। शब्दों में नहीं कह पाते तो कम से कम अपने हृदय की भावनाओं से कह दीजिए, लेकिन कहना और व्यक्त करना बहुत बहुत आवश्यक है। अब कल के क्रमांक में बहुत से लोगों का प्रश्न आया था कि हम कह नहीं पाते हैं, आपको कहना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, क्योंकि आप अपनी तीव्र बुद्धि से उन शब्दों का चुनाव करना चाहते हैं जो आपको बहुत उपयुक्त लगते हों। बल्कि मैं आपको यहां पर यह कहूंगा कि अपनी कुशाग्र बुद्धि से यदि आप सोचेंगे तो आपको शब्द कभी नहीं मिलेंगे, आपको एक अबोध बालक की तरह सोचना होगा। जैसे कि अबोध बालक होते हैं, उन्हें अपने अच्छे बुरे का भी पता नहीं रहता, इसीलिए जिस प्रकार से वो अपने माता पिता को गुहार लगाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के, उसी प्रकार से आपको ईश्वर तक अपनी बात पहुंचानी होगी। आप पाएंगे कि हर प्रार्थना आपकी इतनी बलशाली हो जाएगी, इतनी तीव्र हो जाएगी कि हृदय जो ईश्वर का है उसे स्पर्श कर लेगी, और ईश्वर आपके लिए बहुत बहुत व्याकुल हो जाएंगे जितना कि आप उनके लिए हैं। तो पहला नियम यह है, एक नियत समय पर आपको बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भावनाओं के, एक अबोध बालक की तरह ईश्वर को पुकार करनी चाहिए। निसंदेह ईश्वर आपका चुनाव कर आपके पास आएंगे, आपकी हर परेशानी को सुनेंगे और मुख्यतः ईश्वर का अनुभव भी आप अवश्य कर पाएंगे। आइए बात कर लेते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम बड़ा ही शक्तिशाली है, बल्कि मैं ये कहूं कि यदि ये नियम जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाएगा उसे ईश्वर का आभास निसंदेह होगा। आइए क्या नियम है उस पर बात कर लेते हैं। प्रार्थना में यदि आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब भी आप ईश्वर से कोई प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना में कोई ना कोई आपकी मनोकामना अवश्य छिपी होगी। बहुत स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है, हर किसी की मन की इच्छा होती है। तो आपको क्या कार्य करना है कि प्रार्थना में यदि आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं तो केवल और केवल परमात्मा को मांग लीजिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस परमात्मा को ही अगर आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया तो फिर अन्यत्र किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि दूसरों के लिए भी सुख और शांति की कामना कीजिए। इस तरह की गई कोई भी पूजा
प्रार्थना निस्वार्थ प्रार्थना कहलाती है। कोशिश करें कि कभी कभार ईश्वर से किसी ऐसे इंसान के लिए भी कुछ मांगे जो आपसे जुड़ा नहीं है, जिसे आप नहीं जानते। इसका सीधे लाभ या हानि का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दूसरों के लिए अच्छी प्रार्थना करें और भगवान से सुख और शांति मांगें। अन्यत्र लोगों के लिए जिन्हें आप नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं ईश्वर सबसे जल्दी स्वीकार करते हैं और ऐसे भक्त पर सबसे ज्यादा कृपा बरसती है। ये बात आप रेखांकित कर लीजिएगा कि जब आप इस समाज के लिए कुछ मांगना शुरू करेंगे तो ईश्वर आपकी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण कर देंगे, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि ये मेरा वो भक्त है जो सबके सुख की कामना करता है, तो इसकी झोली में कैसे खाली छोड़ दूं, इसकी झोली तो मुझे भरनी ही पड़ेगी। यह है दूसरा नियम। बात कर लेते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम आपको क्या कहता है? तीसरा नियम है कि हमारे धर्म शास्त्रों में एक बात सिखाई जाती है कि शास्त्रों की माने तो पहले खुद को समय दें। बहुत जरूरी बात है, इसे भी आप रेखांकित कर लीजिएगा। इस दौर में इंसान का सारा समय दूसरों की सेवा में जा रहा है। कैसे? अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप किसी व्यक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, सारा दिन सारा समय केवल उसके लिए आपने नियत किया है। और ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस कर्म भूमि में अपने जो धन है, यश है, कीर्ति है, सब कुछ उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों की सेवा करना है। लेकिन पहले अपने आप को समय देना सीखें। संचार के सारे साधनों से दूर दिन में, सप्ताह में या फिर महीने में कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जब आपके साथ सिर्फ आप खुद हों। जीवन में उसके पहलुओं पर चिंतन करें कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कहां हमसे चूक हुई, कितना समय हम खपा चुके हैं। परमात्मा और आंतरिक और आत्मिक शांति, मैं कहूँगा, उसके लिए हमने क्या किया है आज तक। क्योंकि हमारा जीवन केवल और केवल इस तरह यापन करने के लिए ईश्वर ने हमें नहीं भेजा है। आज तक इस पर आपने अगर मनन नहीं किया तो एक बार इस पर अवश्य ध्यान केंद्रित करें। ये समय आपने जो अपने लिए अपने साथ बिताया है, यह आपके जीवन को नई दिशा में ले जाएगा। क्योंकि एक नियम है जो कि यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन पर नजर नहीं डालता कि मैंने कहाँ कितना समय व्यतीत किया और कितना समय मुझे और अपने पर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत तीव्रता से सफलता की ओर जाता है। जो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करता है, क्रियान्वयन रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने लिए समय निकालना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरे दिन की दिनचर्या में कम से कम 10 मिनट अपने लिए एक ऐसा समय नियत करें जिसमें आप अपने जीवन के बारे में आकलन करें कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि जब तक आपके मस्तिष्क में कोई संक्षिप्त विवरण नहीं होगा जीवन का, तब तक आप यूं ही भटकते रहेंगे। ऐसा जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, ईश्वर को जीवन में शामिल कीजिए, प्रार्थनाएं करते रहिए। और सद्गुरु तो आपके पास हैं ही, श्री महाराज जी, जिनके मार्गदर्शन से आपका और हमारा जीवन बहुत ही सार्थक होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।